Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमने के बाद अब कई राज्यों में जारी लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी चल रही है। इसी के तहत 1 जून से अधिकांश राज्यों में सख्त लॉकडाउन के बाद अब ढील दी जा सकती है। फिलहाल यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कोरोना संक्रमित नए मामलों और सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई है। ऐसे में 1 जून से सख्त लॉकडाउन से ढील दी जा सकती है। लॉकडाउन तो पूरी तरीके से नहीं हटेगा, हालांकि कुछ ढील दी जाएगी। संक्रमण दर कम होने की स्थिति में कुछ औद्योगिक इकाइयों को छूट दी जा सकती है। यदि बीते 24 घंटे की बात करी जाए तो कोविड 19 संक्रमित 188 और लोगों की मौत हो गई तथा 3278 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसे में सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। जिन जिलों में संक्रमण दर बेहद कम है, सिर्फ उन्हीं जिलों को छूट दी जाएगी। अगर आप YouTube से कमाई करते हैं तो आपको 1 जून के बाद इसके लिए YouTube को पे करना होगा। लोग आजकल YouTube पे वीडियो बनाकर काफी पैसे कमा रहे हैं। ऐसे में अब YouTube से होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना होगा। हालांकि आपको सिर्फ उन्हीं व्यूज के टैक्स देने होंगे जो अमेरिकी व्यूअर्स से मिले हैं। इस पॉलिसी को 1 जून 2021 से शुरू किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने मलेशिया में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार की खोज की है और कुत्तों से इंसानों में आने की संभावना है। लेकिन क्या ये इंसानों के लिए खतरा है या नहीं, वैज्ञानिकों ने इस पर आखिरी फैसला नहीं दिया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने निमोनिया से पीड़ित कुछ लोगों में कुत्तों में पाए जाने वाले एक नए तरीके के कोरोना वायरस का पता लगाया है। कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत बड़ी राहत की खबर है। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1,73,790 नए मामले सामने आए, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। लेकिन पिछले 24 घंटे में 3,617 लोगों की मौत का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी घटकर 22,28,714 पर आ गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 8.04% है। जबकि कोविड 19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर सुधर कर 90.80% हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। कोविड किट सहायता अभियान के तहत सम्मान भेंट करने के जेएमयू पहुंची ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज लखनऊ मेडिकल कॉलेज को N95 मास्क, सैनिटाइजर व गाल्पस व भाप लेने वाली मशीन भेंट किया। कोरोना वायरस को लेकर चीन काफी समय से दुनिया के निशाने पर है। यह वायरस कैसे पैदा हुआ और कैसे इसने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। अब एक स्टडी में सामने आया है कि चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड 19 के वायरस को तैयार किया था। दावा है कि रेट्रो इंजीनियरिंग के जरिए चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वायरस मानव निर्मित नहीं बल्कि चमगादड़ से आया है। कोविड 19 वायरस के संक्रमण से फैली हुई महामारी के कारण उत्पन्न हुई असाधारण परिस्थितियां, छात्रहित तथा जनहित में प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 में निर्धारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। वहीं अनुकूल परिस्थितियों होने पर इंटरमीडिएट की परीक्षा को जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कराना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज यह जानकारी दी। कोरोना महामारी के बीच आफत बने जानलेवा ब्लैक फंगस के इलाज में सिर्फ इंजेक्शन पर ही 5 लाख रुपए से अधिक का खर्च आ रहा है। यह इंजेक्शन अभी आयुष्मान योजना के तहत भी कवर नहीं हो रहा है। ऐसे में मरीजों के परिजनों को इस कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। विभिन्न जगहों से मांग उठ रही है कि इस इंजेक्शन को या तो आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाए या ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अधिकृत अस्पतालों में निःशुल्क आपूर्ति की जाए। दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान ठगों ने इसका पूरा फायदा उठाया है। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन और दवाइयां मुहैया कराने के नाम पर जहां लोग खूब ठगी कर रहे थे, वहीं अब ब्लैक फंगस मामलों के तेजी से बढ़ने के बाद ठग गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और ब्लैक फंगस की दवा मुहैया कराने के नाम पर लगातार ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के ठगी के मामलों में द्वारका पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो ब्लैक फंगस की दवाई के नाम पर लोगों से ठगी करता था। आरोपी की पहचान आयुष के रूप में हुई है। कोरोना संक्रमण के दौर में सोशल मीडिया पर इलाज दवाई सावधानी तंत्र मंत्र की भरमार हो गई। साथ ही अफवाहों का बाजार भी पूरे चरम पर है। एक बहुत पुरानी कहावत है और हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा करते भी थे, सुनो सबकी पर करो मन की, तो आज यह कहावत एकदम सटीक है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर एक बार अवश्य अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। घरेलू नुस्खे होते तो बहुत कारगर, लेकिन उसमें भी सावधानी जरूरी है।
और हमारी छोटी सी लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। शुक्रवार को यहां 4,182 नए केस सामने आए। ये यहां पिछले दो महीनों में कोरोना के नए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने की योजना अधर में लटक सकती है। ब्रिटेन में अब तक 44 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि यहां अब तक 1,27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने लोगों को 5 लाख रुपए जीतने का मौका दिया है। इस इनामी राशि को जीतने के लिए आपको एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा, जिसके लिए सरकार ने एक प्रतियोगिता रखी है, जिसमें आपको ये राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और संयुक्त राष्ट्र SDG के समर्थन में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अग्नि के साथ मिलकर एक ग्रैंड वाटर सेविंग चैलेंज शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में 2019 में पुलवामा हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेजर विभूति शंकर ढौडियाल की पत्नी निकिता कौल अपने पति की विरासत को जारी रखने के लिए सेना में शामिल हो गई। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने सितारों को उनके कंधों पर लगाकर औपचारिक रूप से सेना में शामिल किया। वह इसी साल 26 मई को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से पास आउट हुई थी। UP के बाराबंकी जिले में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट, खेत में गोवंश जाने पर बढ़ गया विवाद, मारपीट में कई लोग हुआ घायल, घायलों को लाया गया मथुरा नगर CHC, लेकिन इलाज के अभाव में जमीन पड़े तड़प रहे घायल, दरियाबाद के ग्राम पंचायत एमिलेहा का मामला। BCCI ने आज हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में IPL 2021 के बचे हुए मैचों को सितंबर अक्टूबर के बीच UAE में कराने के फैसले पर मुहर लगा दी है। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी। BCCI ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि सितंबर अक्टूबर में भारत में आम तौर पर मौसम खराब रहता है।